सुबह की फिजा फिजा। आपका प्रोग्राम तो होना चाहिए फिजा के साथ। आप लोगों की शख्सियत ऐसी है कि मजबूर कर दिया कि मैं कुछ ना कुछ तो नहीं। फिजा आउट क्लास, मौला जजा दे। पूरा एल्बम बनाना चाहिए क्योंकि इतनी खूबसूरत वर्डिंग और इतना अच्छी अदायगी ये बहुत कम लोगों को नसीब है। बहुत शुक्रिया। कोशिश करूंगी, प्रैक्टिस करूंगी बच्चों के साथ, इनके साथ खास तौर पे बैठूंगी। ट्रेनिंग हर चीज की इम्पोर्टेंट है, होना नहीं सीखी सिखाई। रमजान में नाच पढ़ना है, थोड़ी सी इतनी सी अकीदत नहीं वही चाहिए। बहुत कुछ अल्लाह ने आपको अता किया, खूबसूरत आवाज है, इल्हान है, अदायगी है, तलफ्फुज है, और यही चीजें नाच के लिए जरूरी होती हैं। साथ साथ चल रही थी आप। आजकल तो मैं नाथ एंड दफ ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया हुआ, मैं बकायदा ट्रेनिंग दे रही हूँ। क्या बात है जी। और उसके साथ फिर मुझे अगर तारीफ करिए तो फिर मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आना पड़ेगा आपके पास। अच्छा, अब जरा उसी बात पे आते, उसी तरफ आते कि अब मुझे बताएं कि किस तरह से अब एक घर की रूटीन को, जो आम बैठी हुई घर औरत है, वो इन शॉपिंग को, ग्रोसरी को, घर के अखराजात को कैसे देखें। हमने रूटीन के ऊपर तो बात कर ली कि रूटीन ऐसे होने चाहिए, ये खाना चाहिए, वो पीना चाहिए, डाइट के बारे में बात कर ली। अब इस चीज़ पे हमें क्या फोकस करना चाहिए कि घर के अखराजात को इस टाइम पे कैसे मैनेज कर सकते हैं। आपने वो एक दुखती रंग छेड़ दी है कि जिसको महंगाई के इशू को मैं कहूँ कि सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है तो ये बजा होगा। क्योंकि जब आपने नॉन मुस्लिम्स की बात की तो मेरा ध्यान इंडिया की तरफ गया कि वहाँ जब कोई हज प्लान करता है मुसलमान तो इंडियन गवर्नमेंट उसको अपनी तरफ से एक ग्रांट, एक उन्होंने रखा हुआ है एक पैरामीटर, तो वो अपनी तरफ से हज के लिए उनको जो है वो ग्रांट देते हैं। क्या बात। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि रजब के महीने में, यानी रमज़ान से करीबन डेढ़ महीना पहले ज़खीरांदोज़ी शुरू कर दी जाती है, और बिल्कुल रमज़ान के करीब आके एक हफ़्ता पहले, इवन मैंने देखा है शॉपिंग सेंटर्स में चांद रात में शाबान का जब एंड होता है और रमज़ान का चांद नज़र आ रहा होता है, तो उस वक्त इतने एक तो भीड़ हो जाती है, वो मिसमैनेजमेंट है लोगों की, और जो प्राइसेस का बढ़ना है वो हमारी गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पाती। और आपने तो सिर्फ खाने पीने की बात की है ना, पेट्रोल तो खाने पीने में नहीं आता, बिल्कुल उसकी भी प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब तो पेट्रोल खा ही रहे हैं हम, वैसे तो बुरे हालात। मेरा ख्याल है एक वक्त आएगा कि बच्चे पूछा करेंगे कि अम्मा पेट्रोल क्या होता है और उसकी शक्ल कैसी होती है। बस मैं, मेरे ख्याल से मैं और आपके जो मियाँ जी हैं वो पकौड़े पेट्रोल में तल के खाया करेंगे एक वक्त। इतना खुला नहीं मिलेगा, मिलेगा हाँ। तो ये जो आपने मैनेजमेंट की बात की है, ये मेरा ख्याल है कि एक मुसलमान औरत के लिए ये चीज़ बहुत काउंट करती है, क्योंकि उसकी शान ये बयान की गई है कि वो इबादत गुजार होती है और वो परहेजगार होती है और वो हिफाजत करने वाली हाफिजात होती हैं और कानितात होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब हम कंपाइल करते हैं तो एक वेल मैनेज्ड लेडी सामने आती है, बीइंग अ वर्किंग वुमेन या बीइंग अ हाउसहोल्ड लेडी, दोनों तरह से उसको रमज़ान से पहले अपनी शॉपिंग्स, किचन, ग्रॉसरी और जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी तैयार करके फ्रिज में रखी जा सकती हैं, फ्रीज की जा सकती हैं सहरी के लिए और इफ्तारी के लिए, और बच्चों की ड्रेसिंग, अपनी ड्रेसिंग ईद के लिए, और जो गुरबा और मसाकीन में उन्होंने तकसीम करना है वो बिफोर रमज़ान, क्योंकि हम राशन की जो तकसीम का काम रमज़ान में जगह जगह दिखावे के तौर पर, या कोई हिस्से होते हैं कि इतना हिस्सा निकलेगा या इतना कुछ होगा, अपनी मर्जी है। अब इसमें भी मैं दो बातें हैं कि जो फिदिया रमज़ान है कि रोज़े जो आप नहीं रख सकते, जो उनका आप अदा करते हैं, वो लोग बहुत मुश्किल में आजकल जगह जगह पूछ रहे हैं जी कितना होना चाहिए, वो सा कितना होता है, सा स्वाद अलिफ ऐन, अच्छा हाँ वो कितना होता है, ढाई किलो होगा, सवा दो किलो होगा। भाई आप इन झगड़ों झमेलों में ना पड़े, डेफिनेटली शरीयत में एक हद मुकरर की गई है, लेकिन आप अपने तई देखें आप क्या खाते हैं और कितना आप कर कितना सकते, खाते कितना हैं? दे सकते हैं? हाँ, आप अपने दस्तरखान के अंदर एक वक्त में 400 रुपए अपनी एक जात पे खर्च कर जाते हैं और आप वहाँ के लिए ढाई किलो गंदम का रेट पूछने बाजार जाते हैं। तो ये देखें कि ज्यादा से ज्यादा
और अच्छे से अच्छा, क्योंकि हम जो दे रहे हैं वो किसी के लिए नहीं, अपने लिए हम जमा कर रहे हैं, वो हमें आखिरत में उसका रिटर्न मिल जाएगा। बिल्कुल बेशक। तो ये चीज़ें हमें रमज़ान से पहले मैनेज करनी चाहिए, जो खाने जो इस तरह की चीज़ें हम पहले मैनेज करके रख सकते हैं वो करनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम अल्लाह ताला की इबादत में गुजारें, कुरान करीम की तिलावत में गुजारें, क्योंकि रमज़ान के अंदर एक जो नफल है उसका सवाब फ़र्ज़ के बराबर, और जो एक फ़र्ज़ है उसका सवाब 70 फ़र्ज़ों की अदायगी के बराबर हो जाता है। तो अगर कोई हम मिस करेंगे लम्हा बाज़ार जाके शॉपिंग्स में या इस तरह की चीज़ों में मिस मैनेजमेंट से, तो वो फिर मेरा ख्याल है कि हम उससे वो नहीं कमा सकेंगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि हलाक हुआ वो शख्स जिसने रमजान को पाया और उसने अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवाई। बिल्कुल। अच्छा, वो एक और मैंने चीज सुनी है कि कहते हैं कि रमजान में आप कुछ भी चीजें, कपड़े ले लें, कोई घर के काम करवाने तो वो नई चीजें, पेंट वगैरह कराना है, रेन्यू कोई चीज करवानी है, तो उन सबके वो हिसाब एग्जैक्टली नहीं देना पड़ता कि कितना है, कि नॉर्मल अगर आप पूरे साल में कोई भी चीज लेते हैं तो हर एक चीज का हिसाब हमसे पूछा जाएगा, देखा जाएगा हमारा, मगर रमजान में स्पेसिफिकली आपके दस्तरखान के ऊपर अगर मेहमान बैठा है तो हदीस पाक के मुताबिक तीन जगह जब आप खाना खाते हैं, जब आप खाने की बात करते हैं, अगर आपके साथ कोई मासूम बच्चा, नाबालिग मासूम बच्चा बैठा है तब अगर खाना आप खा रहे हैं, मेहमान कोई बैठा तब खा रहे हैं, या आपके माँ बाप आपके साथ हैं, और जो माँ बाप के ऊपर खर्च किया जाता है, अहलो अयाल के ऊपर खर्च किया जाता है, उसका तो कभी भी पूरे 12 महीने में हिसाब नहीं होगा। तो हम क्यों रमजान में अपनी इबादत ओवर खर्चे हैं, ओवर चीजें, क्योंकि कुछ लोग बहुत पैसा तो बहुत चीजें इसराफ में, कपड़े लेने तो भरे जा रहे हैं, कपड़े चीजें लेनी तो भरे, वो इसराफ है, ये इसराफ है। अभी आप जो बात कर रहे हो, तो अगर जैसे मैं एक बात करती हूँ, हमारे यहाँ ट्रेंड है ईद के चार चार सूट बनाने का। जी जी जी। ईद का पहला दिन, ईद का दूसरा दिन, ईद का तीसरा दिन, दिन क्या पहनेंगे ये ईद के, यानी कि हमारे यहाँ एक्चुअल ईद जो है वो ईद उल फितर एक है, ईद उल फितर का दिन, यकुम शव्वाल का दिन जो है वो ईद का दिन है। ठीक है जी। और क्योंकि हम लोग जो मेरी यहाँ बच्चियाँ बैठी हैं, बेटियाँ ये भी कल माँ बनेंगी, बेहतरीन तरीका है कि अपने बच्चों को देने की आदत डालिए। बच्चों को आप, मैं तो ये कहती हूँ कि आप दो सूट बनाएं, तीन सूट, जितने भी बनाएं, बच्चों को बताएं कि ये उसका है। जब आपके पास आखिरी अशरा है तो जो मुस्तहिक कोई बच्चा आपके मोहल्ले में या आप जानते हैं आपके रिश्तेदारों में, बेसिक पहला हक आपके रिश्तेदारों का, अकरबा का, कि आपके अकरबा कुछ ऐसे हैं कि आपने तो चार बना लिए, किसी ने एक भी नहीं बनाया। हाँ। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी और मेरी ख्वाहिश भी है कि ये हर माँ अपने बच्चे के सामने चार सूट रखे और उसको उससे पूछे कि बेटा सबसे प्यारा कौन सा लग रहा है, या तीन जो भी बनाए हैं, अगर बेटा कहना ये, तो फिर बेटे से कहें कि बेटा ये वाला सूट आप फलाने को देते हैं। यानी कि उस वक्त जब वो बच्चा अपनी पसंदीदा चीज़ उठा के किसी और को देगा ना, तब आप उसको बताएं कि बेटा आपने ये सूट नहीं दिया, आपने अपने लिए क्या चीज़ ली है, इसके अगेंस्ट आपको क्या चाहिए, अल्लाह ताला की खुशनूदी चाहिए या आपको ये कपड़े चाहिए। और ये माएँ ही आदत, ये तरबियत आपको अभी से करनी है, वेरी ट्रू, देने की तरबियत ये हमारे यहाँ ख़त्म हो गई। और ये जो बात हुमा आप कर रही हैं ना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि तुम नेकी को उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक कि तुम अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह की राह में खर्च ना करो। लेकिन हमें ये जो करना है, हम माओं को ये बहुत आसान तरीके से लेके करना है, खैरात देनी है, 10 रुपए अगर आपने देने हैं तो अपने बेटे या बेटी के हाथ से दिलवाएं, ताकि उसको पता चले कि ये देने की आदत पड़े। बात भी है ना कि तुम असल मुसलमान तब कहलाओगे जब तुम वो चीज जो तुम पसंद कर रहे हो वही भाई के लिए भी पसंद करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो सही। और रमजान जो है वो असल में कुर्बानी का महीना है। इस महीने में अगर आपको एहसास रबूवियत हो ना कि अल्लाह ताला ने अगर आपको इतना अता किया है, तो आपको पता है कि यानी कि किताबों में भी ये दर्ज है कि अगर किसी के पास बहुत कुछ है और किसी के पास कुछ नहीं है, तो जिसके पास बहुत कुछ है उसे ये समझना चाहिए कि उसके पास किसी का हिस्सा अल्लाह ताला ने अमानतन रखवाया है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे तलाश करेंगे कि ये मुझे किसको देना है। कमी नहीं है हमारे मुआशरे में, मांगने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे, बेशक, लेकिन खैरात, बेहतरीन खैरात वो है कि जिसको जस्तुजू करके उसके मुस्तहिक शख्स तक पहुंचाया जाए। अब फितरा है, फितरा अल्लाह ताला ने देखें कितनी खूबसूरत चीज़ रखी है जिसकी अहमियत को हम लोग समझते नहीं हैं। हम फितरे को निकालते ही ईद उल फितर के दिन है, हालांकि इस्लाम ने आपको इजाज़त दी है कि आप उसको पहले से निकाल लें, नियत आप फितरे की बेशक उसी दिन करें, लेकिन निकाल सकते हैं। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि जो लोग नहीं ले सके चीज़ें, जो मुस्तहिकीन हैं, उन तक उनका हक पहले पहले पहुंच जाए। ईद से पहले अगर आपने उनको एक सपोज 1000 रुपए दे दिए, तो उसके लिए तो 1000 रुपए बड़ा कीमत, बड़ी कीमत। और खास देखें ना, जो रमजान का पूरा महीना है उसमें कितनी चीजें लेनी, खानी, खजूर आ जाए, कोई चीनी किसी के घर आ जाए, कोई खाने में पकने के लिए तेल का इस्तेमाल हो जाए, कोई ना कोई चीज, वो 1000 रुपए की। जो नौरीद के रिंजी का कफारा रोजों का है, रोजों, अब मुझे पता है मेरी हालत ऐसी नहीं कि मुझे रोजे नहीं रखने,
मुझे पता है मुझे डॉक्टर ने मना, एक मैं इन केस एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे सपोज मुझे पता है कि मुझे नहीं रखना, तो मुझे पता है तो मैं कफारे के लिए रमजान के अख्तिताम का इंतजार क्यों करूँ? मैं क्यों सोचूं कि मैं तीसवें ही दिन कफारा निकालूंगी? अगर मुझे पता है कि मुझे नहीं रखना तो मैं उतना एक मुद्ताम, जो कि एक शरई उन्होंने बता दिया, एक मुद्ताम मीम दाल मुद्ताम कहते हैं, अच्छा, एक किलो गंदम जो शरई है, लेकिन ये उस सूरत में होता है कि जब आप खाते ही गंदम है। अच्छा, आपके एक दस्तरखान का स्टैंडर्ड क्या है? जब आप रोजे का कफारा देते हैं तो आपकी सहरी और इफ्तारी का स्टैंडर्ड क्या है, उसको माइंड में रख के फिर आपने कफारा देना है। अब खा है। तो मैं जब रोजा इफ्तार करी तो मैं मिल्क शेक और फ्रूट्स के बगैर रोजा नहीं खोल रही, और जब मैं किसी को दे रही हूँ तो मैं उसको सिर्फ एक रोटी और एक चने के पैसे दे रही हूँ, तो फिर ये आपका कफारा नहीं है, कफारा नहीं है रोजे का। तो ये आप यकुम रमजान को ही इस कफारे को 30 रोजों का जो हदिया है वो आप किसी मुस्तहिक के हवाले, बल्कि इससे भी हम पहले भी हम एक हफ्ता दो हफ्ते पहले दे दें, वो बात आ गई तैयारी, पहले से तैयारी, ये पहले करें, जब हम इस्तकबाल कर रहे हैं तो उनको भी वो मौका मिले, जब आपने लेना ही है, और ये रमजान फिर वो उससे एक हफ्ता पहले, और वक्फा दरकार है, वक्फे पे मुझे जरा भेजना पड़ेगा क्योंकि टाइम का आपको पता है कि जब जाना है वक्फे पे तो जाना है, और जब आएंगे तो हम बहुत खूबसूरत सी नात सुनेंगे यहाँ पे, और नात के बाद फिर और मजीद बातों को कुछ हाफिज नहीं जानेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। हुमा तकवी जी को कहीं अर्जेंट जाना है, मगर मैंने उनको रोका हुआ है कि आपके बगैर और नूरी फातिमा आपके बगैर तो शो हो ही नहीं सकता जी, तो आप लोगों का प्यार और आप लोगों का साथ बहुत इम्पोर्टेंट है। आप भी मेरे साथ हैं सिर्फ और सिर्फ एक वक्फा, फिर दोबारा आइए यहाँ पे, तो मौजूद है, कोई कहीं नहीं जा रहा। आदाब। सुबह की फिजा फिजा।